हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दो सवाल हैं, दो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड है। पहला सवाल ये है कि 2 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और उसे अगर हम 1 साल में टर्मिनेट करना चाहते हैं तो क्या एडवांटेजेस होगा और क्या डिसएडवांटेजेस होगा। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम टर्मिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जब हम रिजाइन करते हैं, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होता है, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होता है। तो ये दो सवाल का आंसर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो वो ब्रॉडली 3 तरह का होता है, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से 3 तरह का टर्मिनेशन किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। पहला ये कि जब प्रोविजनरी पीरियड रहता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। ये प्रोविजनरी पीरियड क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल सा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसी या टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करा हूँ। उसमें सऊदी लेबर लॉ के कौन कौन से आर्टिकल हैं, उस आर्टिकल में प्रोविजनरी पीरियड का क्या डेफिनेशन है, कितना ड्यूरेशन होता है, अगर टर्मिनेट करेंगे तो क्या होता है, वो सारी बातें डिस्कस करा। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे प्रोविजनरी पीरियड के बारे में। और दूसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले बीच में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, वो एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। और तीसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को हम रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अगर तब टर्मिनेट करते हैं तो वो तीसरा टर्मिनेशन है। ये मैंने 3 पार्ट में इसीलिए बांटा है क्योंकि हर एक का अपना एडवांटेजेस है, अपना डिसएडवांटेजेस है। पहले बात करते हैं प्रोविजनरी पीरियड का। अगर कोई आदमी वर्कर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनरी पीरियड में अगर टर्मिनेट करना चाहता है तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। प्रोविजनरी पीरियड एक ड्यूरेशन होता है, 90 डेज का होता है, वो मैक्सिमम 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इन दौरान जो वर्कर है, इम्प्लॉई और कंपनी, इम्प्लॉयर दोनों एक दूसरा को देखते हैं कि भाई मैंने जिसके लिए इसको हायर करा है उस काम के लिए ठीक है कि नहीं, मेरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। वर्कर भी अपने हिसाब से चेक कर लेता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना बन रहा है या नहीं। तो इन इन ड्यूरेशन में 90 दिन या फिर 180 दिन जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, लेबर लॉ के मुताबिक ये है कि 90 डेज का प्रोविजनरी पीरियड होना चाहिए और उसे मैक्सिमम 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर उस दौरान किसी ने ये डिसाइड करा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, अगर वर्कर ने, इम्प्लॉई ने अगर ये डिसाइड करा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, तो उस केस में एडवांटेजेस क्या होंगे। पहला एडवांटेजेस ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनरी पीरियड में कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट नोटिस पीरियड। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि ना तो आपको कंपनी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना कंपनी से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ओके, ये एक एडवांटेज माना जा सकता है। ये दो ही एडवांटेजेस है जो आप प्रोविजनरी पीरियड में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आपको होगा। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें, जैसे कि अगर डोमेस्टिक वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है प्रोविजनरी पीरियड के दौरान, अगर उनका एग्जिट वीजा इशू हो जाता है तो उसका एग्जिट वीजा कैंसिल नहीं होगा। दूसरा जो कॉमन सा डिसएडवांटेजेस है, जो बाकी या दोनों कैटेगरी में भी होंगे, कि आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है उस पिछले कंपनी से, जो आपके करंट कंपनी है उससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप एज एन एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो प्रोविजनरी पीरियड में यही दो एडवांटेजेस हैं। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये भी, आप मान लीजिए कि आपको ना तो कोई पैसे मिलेगा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था प्रोविजनरी पीरियड जो आप 90 या 180 डेज के दौरान कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टर्मिनेशन कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने खुद बनाया है इसे। ओके, तो दूसरा जो कैटेगरी ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए एक्स पीरियड के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए, और आपने ये डिसाइड करा कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से उसके पहले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। उसमें एडवांटेजेस तो बहुत ही कम है, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक ही एडवांटेजेस जो मुझे समझ में आ रहा है ये कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ते हैं और आपके पास कोई उससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी है, मनी के बेस में, कंपनसेशन के बेस में, या फिर जॉब सिक्योरिटी के बेस पे, या फिर वर्क एनवायरनमेंट के बेस में, तो आप
चेंज कर सकते हैं, उसे आप एक एडवांटेजेस मान सकते हैं। उसके अलावा कोई एडवांटेजेस मुझे नहीं लगता है कि है अगर आप बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, एक्सेप्ट कि आपके पास उससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि टर्मिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। यूजुअली क्या लिखा रहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं देंगे तो कुछ अमाउंट, 2 महीने का सैलरी, 3 महीने का सैलरी देना पड़ सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर नोटिस पीरियड नहीं देंगे तो वो पर्टिकुलर पीरियड का जितना भी सैलरी होगा, जैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वैसा आपको कंपनी को पे करना रहेगा। ये वेरी करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा रहता है, तो अगर आपके उसमें लिखा हुआ है तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, आपको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। ओके, एक दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि आर्टिकल, सऊदी लेबर लॉ का एक आर्टिकल है, शायद आर्टिकल 77 है, उसके बेस में ये बताता है कि अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो अगर मान लीजिए वर्कर अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कंपनी को उसे रिमेनिंग पीरियड का जो सैलरी है वो कंपनी को देना पड़ेगा। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल में टर्मिनेट कर रहे हैं, बाकी के बचे 12 महीने के जो सैलरी है वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है, कई कंपनी इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करता है, कई कंपनी नहीं करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा ये है, जैसा इन्होंने पूछा है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, अगर 1 साल में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उस केस में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा सर्विस ड्यूरेशन होता है तभी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम कट सर्विस किए हैं, उसके बीच में अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस से 66% आपका एंड ऑफ सर्विस काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, सिर्फ 33% ही आपको मिलेगा। और एक डिसएडवांटेजेस ये है कि कंपनी आपसे आपका इकामा का, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस उन्होंने आपके ऊपर खर्च करे वो क्लेम कर सकते हैं, लॉसेस जितने भी है वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, और एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एज यूजुअल अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इस डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लोज लिखा हुआ है टर्मिनेशन में, कि किस किस कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। और एक आर्टिकल है सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 81, उस बेस पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं उसमें कुछ कंडीशंस लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है कि आर्टिकल 81 क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन है जिसके बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 81 के बेस में अगर टर्मिनेट कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव कि आपका कितना सर्विस ड्यूरेशन हुआ है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 5 महीना 7 महीना भी हुआ है तभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 81 के बेस पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा है तो आपको ना तो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 100% मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। ओके, वो वीडियो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये था दूसरा कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी के बारे में, जो है अगर मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप चाहते हैं कि मैं 2 साल के बाद कंटिन्यू नहीं करूं, रिन्यू नहीं करूं, तो उस बेस में आप क्या करते हैं कि जैसा आपका नोटिस पीरियड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 2 महीना पहले आपको बताना है, नोटिफाई करना है, तो आपने नोटिफाई कर दिया कि मैं 2 साल बाद कंटिन्यू नहीं करूँगा, उस केस में एडवांटेजेस क्या क्या है? आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपका जितना बचा हुआ लीव है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जितना भी है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये सारे वीडियोस जितने भी है सऊदी लेबर लॉ के, वो सऊदी लेबर लॉ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा है, अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने बताया। तो अगर आप तीसरा कैटेगरी में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको फुल एंड ऑफ सर्विस मिलेगा 100%। ओके, कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये 2 आपके पास में एडवांटेजेस है, और 2 ही एडवांटेजेस है।
इसके बाद में डिसएडवांटेजेस यही होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये देखिए कि आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं जहां पे आपको जो ये कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी है, पैसे के मामले में, सैलरी के मामले में, जॉब सिक्योरिटी के मामले में, वर्किंग एनवायरमेंट के बारे में, तो ये सारे को आप, ये सारे जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो डिसएडवांटेजेस है उसको आप एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन का सवाल कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे।